wideangleoflife.com के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की पांच सबसे कॉमन तितलियों के बारे में। तितलियां प्रकृति की बेहद खूबसूरत अंग होती हैं। ये पर्यावरण के स्वस्थ होने के इंडिकेटर हैं। कुदरत जब बहुत खुश होती है तब वह तितली बनकर इतराती हुई फूलों पे मंडराती है। दोस्तों, तितलियां प्रतीक हैं खुशियों की, प्रसन्नता की, सौभाग्य की और समृद्धि की, यानी ये आपके गुड लक को इंडिकेट करती हैं। जब तितलियां आपके आसपास मंडराने लगे तो समझ लीजिए गुड लक आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। प्रकृति आपको खुशियों के मैसेज दे रही है। बहुत ही अनोखी बात है, जिस इलाके का पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है वहां से सबसे पहले तितलियां पलायन कर जाती हैं। प्रदूषण को भापने में तितलियां बेहद संवेदनशील होती हैं। क्या आप जानते हैं, यदि आप अपने ड्रेस पर डीओ या परफ्यूम लगाकर उनके पास जाएंगे तो क्या होगा? इसका जवाब ये है कि वे आपसे दूर भाग जाएंगी। तितलियों का दिखना बड़ा शुभ माना जाता है। तितलियां हमारे लिए खुशियां लेकर जन्नत से आती हैं। यदि बीमार व्यक्ति भी रोज कुछ देर फूलों पे मंडराती हुई तितलियों को निहारे तो वे जल्द ठीक होते हैं और उनकी आयु बढ़ती। मानसून के आने पर प्रकृति में नए पौधे उगते हैं और नए फूल खिलते हैं। यही वक्त होता है तितलियों के सबसे अधिक दिखाई पड़ने का। इस समय तितलियों को अपने पोषण और प्रजनन के लिए भरपूर साधन मिलते हैं, इसलिए बारिश गिरने के बाद प्रकृति में उनकी संख्या अचानक बढ़ जाती है। तितलियों को हम गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए हमारे आसपास होते हुए भी वो अक्सर उन पर हमारी नजरें नहीं पड़ती। अगर हम आउटडोर में अपने आसपास ध्यान से वॉच करें तो हमारे आसपास वे मंडराती हुई नजर आती हैं। भारत में तितलियों को पहचानने और उनके नाम रखने का काम पहली बार ब्रिटिश अध्ययनकर्ताओं ने किए थे। उनमें से ज्यादातर सैन्य अधिकारी या शिकारी थे, इसलिए तितलियों के नामों में जंगल के प्राणियों और मिलिट्री रैंक जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्लेन टाइगर तितली, कमांडर तितली। इस वीडियो में हमने भारत की पांच सामान्य तितलियों को चुना है। ये तितलियां ऊंचे हिमालयी प्रदेशों को छोड़कर भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। आप थोड़ी भी रुचि दिखाएं तो आप इन्हें अपने आसपास बड़ी ही आसानी से पहचान लेंगे। इस वीडियो में इनके कॉमन नाम के साथ साथ अंग्रेजी में इनका वैज्ञानिक नाम भी शामिल किया गया है। तो आइए चलिए इस वर्षा ऋतु में मुलाकात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की इन पांच खूबसूरत तितलियों से। प्लेन टाइगर, ये हिमालय के ऊंचे इलाकों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाने वाली ऑरेंज येलो कलर की खूबसूरत तितली है, जिनके किनारे पर काले सफेद धब्बे होते हैं। अक्सर आप इन्हें जमीन के निकट अलग थलग उगे किसी फूल पर देख सकते हैं। प्लेन टाइगर तितली को पंख फैलाकर धूप सेकना और फूलों पे बैठना बेहद पसंद है। पूरे पंख फैलाए हुए पोज में ये बहुत ही सुंदर दिखती है। खुले पंख में इनकी लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरह यह एक बड़े आकार की तितली है। बरसात में इनका रंग और भी निखर कर चटकीला हो जाता है। भारत के अलावा यह लगभग संपूर्ण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। स्ट्राइप टाइगर, प्लेन टाइगर से मिलती जुलती इस तितली के पंखों पर काली धारियां यानी ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, जिस कारण इसका यह नाम पड़ा। साइज में यह प्लेन टाइगर जितनी और कभी कभी उससे छोटी भी होती हैं। अमेरिकन मोनार्क तितली से यह मिलती जुलती होती हैं। कलर इनका भी मुख्य रूप से ये ऑरेंज येलो होता है। किनारे पर काले सफ़ेद धब्बे होते हैं। पंख पर बने लाइनों के पैटर्न से आप इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों तक ये पाई जाती हैं। ब्लू टाइगर, काले पंखों पर
छोटे बड़े सफ़ेद स्पॉट्स होते हैं। ये सफ़ेद स्पॉट्स विभिन्न आकारों के होते हैं जो पंखों के किनारे की तरफ छोटे होते जाते हैं। इन धब्बों को ध्यान से देखिए, ये पूरी तरह सफ़ेद नहीं है, इनमें नीलापन है। इसी कारण इसके नाम में ब्लू शब्द जुड़ा है, ब्लू टाइगर। खुले पंखों के साथ इसकी साइज 10.5 सेंटीमीटर होती है। खुले पंखों के साथ यह बड़ी ही खूबसूरत और चमकीली दिखती है। हिमालय को छोड़कर यह तितली पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया तक पाई जाती है। कॉमन क्रो, चॉकलेटी भूरे रंग वाली यह तितली अपने खुले पंखों के साथ लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर की होती है। यह खुले पंख के साथ कम दिखाई पड़ती है। पंखों के किनारे पर सफेद स्पॉट्स के 2 पैरेलल पैटर्न होते हैं। अक्सर ये ऊपर की ओर पंख समेटे हुए फूलों पर अधिक देर तक बैठती है। इनमें एक खास बात होती है, इस तितली के शरीर में जहरीले टॉक्सिन होते हैं। यही वजह है कि चिड़िया या दूसरे जीव जंतु इनका शिकार नहीं कर पाते। इसलिए कॉमन क्रो तितली को दुश्मन का डर नहीं होता। यह तितली भी भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाई जाती है। कॉमन ग्रास येलो, यह छोटी सी खूबसूरत तितली है, खुले पंखों के साथ बस 3 से 4 सेंटीमीटर की। चटक पीले रंग की यह तितली आपको कहीं भी जमीन के निकट घास में मडराती हुई मिल जाएगी। धूप रहने पर यह हमेशा उड़ती रहती है। यह तितली बैठी हुई कम ही दिखाई पड़ती है। किसी भी घास वाली जगह में यदि आप ढूंढे तो आपकी नजर घास में लगातार मडराती हुई इस तितली पर जरूर पड़ेगी। लगभग संपूर्ण एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों, फिजी और सोलोमन द्वीप में पाई जाती है। इन तितलियों से मिलकर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन भी दबाए ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।